हम्द सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और मागफरत का फिजान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। यहाँ पे आज मेरी दोस्त के घर बनने जा रही है हलवा पूड़ी, तो आज जो है वो हलवा पूड़ी का नाश्ता होने वाला है। तो जो है हम लोगों ने तीनों ने मिल के एक एक काम किया था, तीन फ्रेंड्स थी हम लोग। मैंने हलवा बनाया था तो हलवे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे जो है वो 2 कप सूजी का हलवा बनाया था, उसमें मैंने 2 कप ही चीनी डाली थी और 1 से 1.5 कप मैंने उसमें मक्खन डाला था। और मैंने पहले शीरा बना लिया था और उसको मैंने सूजी को भून के फिर उसमें मैंने शीरा डाल दिया था और ये बहुत ही मज़े की बनी थी सूजी का हलवा। बहुत ही टेस्टी था, सबने बहुत इंजॉय किया। और चने का सालन बेहतरीन था, वो भी मैंने आज सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े मज़े की हम लोगों ने पूरियां बनाई और पूरियों की रेसिपी भी आज डिफरेंट थी, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इंशाल्लाह ताला देखते रहिएगा वीडियो को, हमने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ पे गए, क्योंकि बच्चों का जो है वो स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है। बच्चों के स्कूल की काफ़ी शॉपिंग भी करने वाली थी और शॉपिंग भी इंशाल्लाह ताला आज ही हम करेंगे। और जो है यहाँ पे आज सैटरडे का दिन है और बच्चों का छुट्टियों में का ये लास्ट वीकेंड है। तो चले देखते रहिएगा, साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ करने और आसानियाँ बांटने वाला बनाए। दयाल खैर में हमें जो है अपने बच्चों की अच्छी अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे और हमें सलूक इतफाक़ प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक दे। शैतान के वसवसे से बचा के रखे अल्लाह पाक हमें, और जो है 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी हम सबको बनाए। और अल्लाह ताला हम सब के दिलों की जो जो नेक तमन्नाएं हैं उनको पूरा करें, आमीन सुम आमीन। साथ साथ मैंने अपने चैनल पे इराक़ की भी वीडियोस अपलोड की हैं, क्योंकि सारे लोग मुझे काफ़ी कहते हैं कि काफ़ी वीडियोस नहीं आई, तो टाइम की कमी की वजह से मैं जब मुझे टाइम मिलता है वहाँ की एक मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। वो भी साथ साथ आपको इंशाल्लाह सारी ज़्यारात मिलती रहेंगी। और आपके प्यार का, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर दे और मेरी वीडियोस को पसंद करने का। मुझे काफ़ी लोग जो है वो बोलते हैं कि काफ़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस को देख के। और ये जो हलवा पूड़ी का नाश्ता है, इसको खाने के लिए मुझे 10 पॉइंट इंसुलिन की ज़रूरत थी, क्योंकि जो है वो ऑयल भी था, मीठा भी था, मैदा भी था और चने भी थे, डबल कार्ब्स थे। तो शुगर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इसको खाने के बाद बहुत अच्छी रखी। और ये देखें लजीज हम लजीज हलवा और चने तैयार हैं और अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के करेंगे नाश्ता। तो चले वीडियो को देखें और इंशाल्लाह मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्र हर चीज़ के लिए, हर नहीं। ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهد يا قلب ورفقا سل يا آلام
हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतने अच्छे दिन देखने को दिए, इतनी प्यारी औलाद, इतने अच्छे हस्बैंड और इतने अच्छे अच्छे दोस्त दिए। और यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, जब से हम लोग इराक से आए थे तब से हम लोगों ने जो है वो लीडल आलडी की भी ग्रॉसरी नहीं की थी, वो भी आज कंप्लीट की। बच्चों की भी शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होगी, क्योंकि मंडे से जो है ना वो बड़ी टफ रूटीन शुरू होने वाली है। उसके बाद हम लोग गए डोनर शॉप पे, एक जो है वो नॉर्वे सेंट्रम के पास ही अली बाबा के नाम से ये डोनर शॉप है, इसकी भी काफ़ी तारीफ सुनी थी, तो हमने सोचा कि आज इसका भी डोनर जाके ट्राई करते हैं। और इनके पास फ्रेश फ्रेश लस्सी भी थी मज़ेदार, और जो है वो डोनर भी इनका बहुत अच्छा था। हम लोगों ने वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया, और ये देखें कि कितने मज़े की चीज़ें लग रही हैं यहाँ पे जो है ना, बड़ी फ्रेश चीज़ें और बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं जर्मनी में स्पेशली, क्योंकि हम लोग जब इराक़ में गए हैं और वहाँ पे जाके हम लोगों ने हालात देखे हैं कि वहाँ पे खाने किस तरह के होते हैं, तो बड़ा दिल ख़राब होता था देख के। और बंदा वहाँ पे तो कहो के पैसे ही ख़राब करता है, काफ़ी जो है ना चीज़ें इस तरह की है। इस्लामिक मुल्क लेकिन लोग जो है ना बस ऐसे ही हैं, लोगों से बड़ा हम लोग जो है ना डिसअपॉइंटेड हुए थे इस दफ़ा के। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला सबको अकल और शऊर दे, और जो है वो अल्लाह पाक के कहे हुए अहकाम पे हमें अमल करने की तौफीक दे। तो नॉर्मली सफ़ा जो है वो डोनर या युफ्का या जो है वो पिज़्ज़ा इस तरह नहीं खाती सब्जियों वगैरह के साथ, तो अब हम मालिन सफ़ा को भी आदत डाल रहे हैं कि वो भी जो है वो बैठ के सब्ज़ी वाला डोनर खाया करे, तो उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आया था। उसके बाद जो है वो हम लोग एक दोस्त की तरफ जाना था, वहाँ थोड़ी देर के लिए गए। सो यहाँ पे मैं अब अपनी वीडियो का करती हूँ इख्तिताम। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में याद। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।